हमारे यहाँ कितने दिन का सीजन होता है? केवल चार पढ़ना है। कितना? चार। ठीक है, कौन कौन से? 15 मार्च से 15 जून। ये क्या है? समर सीजन। क्या है ये? समर सीजन। ठीक है, यहां पे क्या होगा? मॉनसून होगा। क्या होगा? चल रहा है ना कि इस समय चल रहा है कि नहीं, बताइए कितना सही टाइम है मॉनसून पढ़ने का? है मॉनसून ही चल रहा है और मॉनसून ही आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद 15 सितंबर से 15 दिसंबर। ठीक है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर ये कौन सा सीजन है? रिट्रिएटिंग मॉनसून। बात नहीं भाई, क्या है ये? रिट्रिएटिंग मॉनसून, मतलब समझ में आई बात? यहां पे क्या हो रहा है? मॉनसून आने की तैयारी हो रही है। यहां मॉनसून आ चुका है और यहां पे क्या हो रहा है? मॉनसून जा रहा है। ठीक है, और फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च ये क्या है? विंटर सीजन। और इस समय कौन सी विंड एक्टिव होगी? कौन सी? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कौन सी होगी एक्टिव यहां पर? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। ठीक है, लिखिए। यहां पे मैं बस दो थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? दो थ्योरी। एक थ्योरी है क्लासिकल, और एक थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी है। तो जो मॉडर्न थ्योरी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी रोल ऑफ ITCZ। किस पर? रोल ऑफ ITCZ। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ, जैसे लिखिए, बेस्ड ऑन द थर्मल कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन द थर्मल ओरिजिन, यानी यहां पे डिफरेंशियल हीटिंग होगी और यहां पे किसका रोल है? ITCZ का। किसका है? ITCZ का। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिकल थ्योरी क्या थी? क्लासिकल थ्योरी मतलब ये कह सकते हैं आपकी वेरी रॉ थ्योरी थी ये। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून क्यों आता है, तो जिस उस समय के जो भी ज्योग्राफर्स रहे होंगे या जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे, उन लोगों ने जो एक इनिशियल थ्योरी दी वो कौन सी थी? क्लासिकल थ्योरी, जो किस पर डिपेंड कर रही थी? थर्मल ओरिजिन पर। आप लोग को अगर याद हो तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है लैंड एंड सी ब्रिजेस। क्या पढ़ाया है? लैंड एंड सी ब्रिजेस, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ये क्या है? तो हम लोगों ने लैंड एंड सी ब्रिजेस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लैंड एंड सी ब्रिजेस। इसमें जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे, वो लोग को मतलब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि क्या होता है लैंड एंड सी ब्रिजेस। ठीक है, तो लैंड एंड सी ब्रिजेस में जो है, मान लेते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग डे। ठीक है, ड्यूरिंग डे, दिन के समय, दिन की अवधि में कोस्टल रीजन में
कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन है ये, ठीक है ना। तो दिन की अवधि में या ड्यूरिंग डे क्या होगा कि सी का जो टेम्परेचर होता है, सी का, अगर ये मान लीजिए कि ये भारत का कौन सा इलाका है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया है कि नहीं, मुंबई पुणे, पुणे कह रहे हैं, मुंबई गोवा इस टाइप का रीजन है, और यहां पे क्या है सी, ठीक। तो यहां का टेम्परेचर दिन में जब इंसुलेशन आ रहा होगा, सन से क्या रहा होगा इंसुलेशन, तो यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, लेकिन यहां का टेम्परेचर दिन में ज्यादा होगा, सॉरी दिन में क्या होगा कम होगा, और यहां का ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, किससे, इससे। तो जब स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो वो जल, अगर वो देर में गर्म होगा कि नहीं, अगर देखेंगे आप लोग तो एक डिग्री सेंटीग्रेड किसी एक ग्राम बॉडी का वही क्या स्पेसिफिक हीट क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ वन ग्राम थ्रू वन डिग्री सेल्सियस, यानी एक ग्राम बॉडी का अगर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना होगा तो कितनी हीट लगेगी, तो इसके लिए हीट ज्यादा लगेगी और इसके लिए हीट कम लगेगी, समझ में आएगा। तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, यानी इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, किससे, इससे। दूसरी बात, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, जो भी इंसुलेशन आएगा वो नीचे चला जाएगा और यहां पे बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा एक जगह पे, तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस प्लेस ड्यूरिंग दिस सेम टाइम, मतलब उसी समय की बात है ये, यानी अगर दिन की बात है तो दिन में यहां का टेम्परेचर ज्यादा है और यहां का कम, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर यहां का टेम्परेचर कम है तो यहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, और यहां का प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो गया, लो। अब बताइए विंड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही होगा ना, और इसे हम लोग क्या कहते थे, सी ब्रीजेस, क्या कहते थे, सी ब्रीजेस क्यों कहते थे, क्योंकि ये कहां से आ रही है विंड, सी से आ रही है, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट ड्यूरिंग नाइट देखेंगे आप तो जो लैंड सरफेस है, जो लैंड सरफेस है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू सी, ठीक है ना। इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वो देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा। दूसरी बात, इसकी क्या है, जो हीट है वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई है पूरे लेयर, लेयर बाय लेयर कहाँ है, स्प्रेड हो गई, क्योंकि ये तो मूविंग बॉडी है ना, वाटर क्या है, मूविंग बॉडी है, ये कंसंट्रेट कर गया यहाँ पे, तो जल्दी गर्म होता है ये टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा तो जल्दी क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, किसका, लैंड का, और सी का देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होगा, ठीक, बिल्कुल कंडक्टिविटी भी है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अच्छा रात में क्या हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा और इसका कम, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा ना, और यहां पे हाई प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या हो गया इधर। अब ये क्या है, ये है लैंड ब्रीजेस, ठीक है, आई बात समझ में। तो जो लोग नहीं थे वो लोग इसको जान लें, लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होता है। तो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि दिन में अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ
मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर मुंबई का हो गया 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ठंडी हवा चलेगी, ये मॉइस्चर लेके चलेगा, तो यहाँ से ठंडी हवा चलेगी और टेम्परेचर क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या होगा, अगर रात में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, विंड का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लैंड एंड सी ब्रिजेस। इसी कारण से कोस्टल रीजन में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, क्या होता है, मॉडरेट, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि ये क्लासिकल थ्योरी कैसी है, लैंड एंड सी ब्रिजेस जैसी है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या किया गया है कि इसी जो टेम्पोरल और स्पेशियल डिफरेंस है, इसी को क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे क्या किया गया है, हमने ड्यूरिंग डे लिया है, तो क्लासिकल थ्योरी कहती है नहीं, ड्यूरिंग समर की बात करो, ड्यूरिंग समर, यानी हमने यहां पे क्या कर दिया, टाइम ही क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या किया, इंक्रीज कर दिया ड्यूरिंग समर तक। और रीजन की जहां तक बात है, तो रीजन कहां था, ये सिर्फ कोस्टल तक था, तो इन्होंने कहा नहीं, पूरे के पूरे भारत की बात करते हैं, ठीक है, पूरे रीजन में। तो कहा गया कि सर गर्मी में क्या होगा, इसका ये लैंड है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, और यहां पे इसके कंपैरिजन में सी सरफेस है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, और ये क्या है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये विंड को लेके कहां जाएगा, सॉरी ये मॉइस्चर को लेके विंड कहां से कहां जाएगी, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो यहां पे बारिश हो जाएगी पूरे रीजन में, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पूरे रीजन में कहां लेके जा रहा है, मॉइस्चर को लेके जा रहा है और यहां पे बारिश करा रहा है, ऐसा क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए ड्यूरिंग विंटर बात करते हैं, ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर क्या होगा, ये वाला लैंड क्या होगा, ठंडा होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम, प्रेशर क्या हो गया, और इसके कंपैरिजन में सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहां का टेम्परेचर हो गया ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, लो। अब बताइए विंड का डायरेक्शन क्या होगा, तो कहा जाता है कि विंटर में क्या होता है कि ये जो विंड का डायरेक्शन है वो कहां है, नॉर्थ ईस्ट, और ये कहां से आ रहा है, कॉन्टिनेंट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कॉन्टिनेंट से, तो मॉइस्चर होगा ही नहीं, और मॉइस्चर होगा नहीं तो बारिश यहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो समर में बारिश होगी और विंटर में बारिश नहीं होगी, ये ड्राई है, ये वेट पीरियड है, ठीक है। तो आप बताइए इसी का एक्सटेंशन है कि नहीं है, है ना, यही बात कौन कहता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसको बनाइए फिर लिखा देते हैं।